बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी जानकारी के साथ। हरियाणा को लेकर बीजेपी कोर कमेटी की अहम बैठक, वहीं दिल्ली स्थित बीजेपी मुख्यालय में यह मीटिंग हो रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा अध्यक्षता कर रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बैठक में मौजूद हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल, प्रदेश अध्यक्ष भी इसमें शामिल, ओपी धनखड़ समेत पार्टी के कई नेता इसमें मौजूद हैं। हरियाणा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष इसमें शामिल है और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा अध्यक्षता कर रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मौजूद हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी इसमें मौजूद है। पार्टी के राष्ट्रीय सचिव ओपी धनखड़ इसमें मौजूद है। बैठक में लोकसभा उम्मीदवारों पर चर्चा है। अब किस लोकसभा सीट से बीजेपी किस प्रत्याशी को उतारेगी, किस उम्मीदवार को उतारेगी, इस पर मंथन होगा और यह मंथन जरूरी भी है क्योंकि दावा 400 पार का है। अब ऐसे में जाहिर सी बात है, जिताऊ उम्मीदवार को लेकर मंथन कर रही है भारतीय जनता पार्टी। ओपी धनखड़ समेत पार्टी के कई बड़े नेता इस बैठक में मौजूद है, अध्यक्षता कर रहे हैं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इसमें मौजूद हैं और साथ ही मंथन हो रहा है लोकसभा उम्मीदवारों के नाम पर। लोकसभा उम्मीदवार के तौर पर कौन कौन से चेहरे होंगे, इस पर मंथन हो रहा है। लेकिन अब देखने की बात यह है कि किस किस चेहरे पर बीजेपी मोहर लगाती है, किस किस को लोकसभा सीटों से चुनावी मैदान में उतारा जाता है, ये देखने की बात है। ये बड़ी जानकारी आपको बता दें, अहम बैठक जारी है। बीजेपी कोर कमेटी की ये मीटिंग है, काफी महत्वपूर्ण ये मीटिंग। हरियाणा राज्य में 10 लोकसभा सीटें हैं और हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों पर बीजेपी अपनी तरफ से किस किस चुनावी उम्मीदवार को मैदान में उतारेगी, उसे लेकर इस बैठक में विचार विमर्श हो रहा है। और इस बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद हैं, अध्यक्षता कर रहे हैं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल इसमें मौजूद हैं। बीजेपी हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी मौजूद हैं। बीजेपी राष्ट्रीय सचिव ओपी धनखड़ इसमें मौजूद हैं और प्रदेश के बड़े नेता इसमें शामिल हैं। हमारी संवाददाता अपराजिता श्री हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अपराजिता, फिलहाल मीटिंग को लेकर क्या कुछ ताजा जानकारी है? करीब डेढ़ घंटे हो चुके हैं इस बैठक को शुरू हुए, हरियाणा की जो कोर कमेटी की बैठक करीब डेढ़ घंटे हो चुके हैं इस बैठक को शुरू हुए। इस बैठक में मुख्यमंत्री मनोहर लाल मौजूद है, नायब सिंह मौजूद है, प्रभारी मौजूद है, जेपी नड्डा की अध्यक्षता में की जा रही है इस बैठक में, गृहमंत्री अमित शाह भी मौजूद है। और देखिये करीब डेढ़ घंटे हो चुके हैं इस बैठक को, क्योंकि देखिएगा सूत्रों की माने तो हरियाणा बीजेपी की तरफ से सभी 10 सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ने की बात की जा रही है। इसी को लेकर चर्चाएं चल रही है कि सभी 10 सीटों पर भाजपा ही अकेले लोकसभा चुनाव लगे। हमने इस मुख्यमंत्री को भी सुना था, उन्होंने कहा था कि अगर जरूरत पड़ी तो पोस्ट अलायंस की जाएगी। प्रदेश अध्यक्ष भी साफ तौर से कह चुके हैं कि 10 सीट पर लोकसभा चुनाव भाजपा अकेले ही लड़ेगी। अब क्या कुछ निर्णय होता है, क्योंकि देखिए फाइनल डिसीजन, जैसा हमने बताया था कि फाइनल डिसीजन तो सीईसी की बैठक में ही होगी, यानी 8 मार्च को जब केंद्र चुनाव समिति की बैठक होगी तो फाइनल डिसीजन वहीं लिया जाएगा। हालांकि जो जेजेपी है वो प्रयासरत है कि अलायंस में जो है इलेक्शन लड़ा जाए, लोकसभा चुनाव लड़ा जाए, कम से कम एक सीट पर भी बात बन सके। मगर हरियाणा बीजेपी की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया है कि अकेले ही लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए वो प्रयासरत है। अब जो फाइनल डिसीजन है वो सीईसी की बैठक में ली जाएगी। लोकसभा चुनाव में अपने उम्मीदवारों को लेकर भारतीय जनता पार्टी इस समय मंथन कर रही है। इस बैठक में पहली लिस्ट जब जारी हुई थी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 195 लोकसभा उम्मीदवारों की, मैं बात कर रहा हूं अपराजिता, इससे पहली सूची जो जारी हुई उसमें भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सभी समीकरणों को साधा गया था, पूरी सोशल इंजीनियरिंग के साथ जिताऊ उम्मीदवारों को मैदान में उतार दी भारतीय जनता पार्टी नजर आई। इसी मीटिंग में भी इस बात को लेकर अहम मंथन चल रहा है। जी बिल्कुल, देखिए जब पहली सूची आई थी भाजपा की तो उसमें तमाम चीजों को लिया गया था, साथ में जितने भी, जैसे हमने कहा था कि विमेन को लेकर भी कंसिडर किया गया था, विमेन को लेकर एससी एसटी ओबीसी सभी को लिया गया था, युवाओं को कंसिडर किया गया था, तो सभी को लिया गया था कंसिडरेशन में। तो अब देखना होगा कि जब दूसरी भाजपा की जो सूची आने वाली है तो उसमें क्या कुछ होता है, क्या जो विमेन थी, युवा थे, एससी एसटी ओबीसी सभी थे, क्या उन इस लिस्ट में भी उन सब चीजों का रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा। क्योंकि देखिए भाजपा
भाजपा ने साफ तौर से स्टार्टिंग से ही कहा है कि ज्ञान पर उनका फोकस रहेगा, यानी ज्ञान यानी गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी, इन चारों पर उनका फोकस रहेगा। उन्होंने कहा है कि अगर ये चार वर्ग आगे बढ़ते हैं तो देश भी हमारा आगे बढ़ेगा। तो जब सीटों को लेकर जो चर्चा चल रही है, अभी हरियाणा की अभी चल रही है, कर्नाटका की हो चुकी है, ओडिशा की हो चुकी है और भी राज्यों की होनी है, तो ये देखना होगा कि जब भी लोकसभा सीटों को लेकर जब चर्चा होगी तो किस उम्मीदवार को कहां से मैदान में उतारा जाए, साथ ही में कितनी महिलाएं होनी चाहिए, कितने युवा होने चाहिए, सभी चीजों को मद्देनजर रखते हुए बैठक में चर्चा होगी और हो रही है। बिल्कुल, अपराजिता जरूरी भी है, पूरे मंथन के साथ साथ सभी समीकरणों को साधते हुए भारतीय जनता पार्टी इस समय विचार विमर्श करती नजर आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया, नजर बनाकर रखिए अपराजिता इस मीटिंग पर, जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी की यह बैठक कोर कमेटी की लगातार जारी है।